पाऊं, क्या जाके उसके अंदर क्या क्या प्रॉब्लम है, क्या जो मैंने अनुमान आज लगाया था कल जाके वो ज्यादा हो जाए महंगाई की वजह से, किसी भी चीजों की वजह से। फिर मिल रहा है तो फिर किस बात की उसके अंदर वो चीजें हैं जो आपको आसानी से मिल रही हैं। कभी कभी आपने देखा हो कुछ शेयर आपको मिलने ही नहीं, खरीदने के लिए लगा दो आप, मिलनाइज किस बात की, एनालाइज तो फिर वही होगी ना कि हमने तेजी देखी, तेजी बता दी, गिरावट देखी, गिरावट बता दी। इस चीज में मैं कभी भी बिलीव नहीं करता और इसलिए कहता हूँ जितने ऑर्डर इसे पीछे मिले हैं वो सिर्फ इसकी तेजी को कायम रखने के लिए थे या आगे जिस तरीके से लोअर सर्किट मार रहा है। जब RBNL में तेजी के संकेत आपको देखने को मिले थे तो मैंने आपको कहा था कि इसको मैं आपको एक चीज बता दूं कि जिस तरीके से शेयरों की जो एनालाइज मैं खुद के लिए करता हूं वही चीज मैं आपके लिए प्रस्तुत कर देता हूं, है ना, बहुत जल्दी अचीव होंगे या वो बहुत जल्दी गिरेंगे, बल्कि हम उस सिचुएशन से लड़ने की कोशिश में लगे रहते हैं। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से, और आज बात करेंगे यस बैंक की, और बात करेंगे RBNL, और बात करेंगे अडानी ग्रुप, और बात करेंगे सर स्पाइस जेट की। सर इन सब की बात करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जब शेयरों में तेज़ी के माहौल होते हैं तो ऊपर के जो टारगेट निकल कर आते हैं फिर उसी तरीके की वीडियो आपको देखने को मिल जाती है, लेकिन अगर आपने मेरी वीडियो को समझा या मेरी किसी बात को भी समझा, किसी में भी कुछ ऐसी चीज़ आपको देखने को नहीं मिलेगी कि वो शेयर के जो टारगेट है ना बहुत जल्दी अचीव होंगे या वो बहुत जल्दी गिरेंगे, बल्कि हम उस सिचुएशन से लड़ने की कोशिश में लगे रहते हैं जिस सिचुएशन को आपको कोई बताएगा नहीं। यही मेरी एक परिकल्पना है कि मैं उस चीज़ों को खोजूं, उस साइकोलॉजी को खोजूं और फिर आपके सामने वो वीडियो प्रस्तुत करूं जिससे आपको लगे कि एक सच्ची चीज़ें जो है मेरे द्वारा आपको मिल रही है। मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जिस तरीके से शेयरों की जो एनालाइज मैं खुद के लिए करता हूं वही चीज़ मैं आपके लिए प्रस्तुत कर देता हूं। मैं इस सच्चे दिल से आपको इस तरीके की वीडियो बनाकर देता हूं सर। मेरा कोई भी मकसद ऐसा नहीं है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपको ऐसे उत्साहित कर दूँ जिसकी वजह से आपको लगे कि भाई इस शेयर का तो टारगेट 1000 तक होगा, बिल्कुल भी ऐसी बात नहीं होगी, बल्कि तेज़ी में ही मैंने आपको संभालने का काम किया है। जब RBNL में तेजी के संकेत आपको देखने को मिले थे तो मैंने आपको कहा था कि इसको ऑर्डर मिलते जा रहे हैं। जब अपर सर्किट थोड़ी तेजी RBNL दिखा रहा था तो आपके सामने कौन कौन सी वो न्यूज निकल कर आई थी जिसकी वजह से ये शेयर भागने की परिकल्पना में तेजी के साथ था, चाहे वो गुजरात के साथ मेट्रो का हो, वंदे भारत ट्रेन के लिए हो, या अलग तरीके से इसे जो भी ऑर्डर मिले हैं सारी ऑर्डर की वजह से ये शेयर भाग रहा है, ये मैंने आपको बताया था। और अब लोग कहेंगे कि यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग आ गई है या फिर इसके अंदर और अच्छे उछाल हो सकते हैं, इन चीजों को मत देखो, बस इस कंपनी का काम देखो, क्योंकि आज से 4 से 5 दिन पहले जो RBNL मैंने और IRFC में आपके लिए वीडियो बनाई थी ना वो बिल्कुल पर्याप्त थी आपके लिए, अगर उसे आप समझना कोशिश करो। जैसे इसने 2 दिन के लोअर सर्किट लगाए उससे क्या प्रतीत हुआ कि इसको अब ऑर्डर वाली न्यूज नहीं आ रही है, वहां पर इसने क्या करा, इसने अपना लोअर सर्किट दिखा दिया, तो इससे क्या प्रस्तुत हुआ कि ये सिर्फ ऑर्डर मिलने की वजह से भाग रहा था। और मैंने क्या कहा था कि ये अपनी झोली में अपनी पॉकेट में ऑर्डर इकट्ठे कर रहा है, उसकी तेजी है, पर उस पर काम होना संभव है, रणनीति बदली है शेयर मार्केट में काम करने की। फिर कल इसने जो आपको तेजी दिखाई, आपको अपर सर्किट मार्केट दिखाया, मैंने कौन सी वीडियो बनाई, मैंने कहा इसे मुंबई से जो ऑर्डर मिला है मेट्रो में उसकी वजह से 5% का अपर सर्किट इसने जो लगाया है ये सिर्फ ऑर्डर मिलने की वजह से, और यही एक न्यूज थी कि ऑर्डर मिलने की वजह से ये 5% भाग गया। फिर मैंने कहा कि भाई कुछ अभी इसके अंदर और प्रॉब्लम है, अभी इसके अंदर ऐसी कुछ भी चीज़ें नहीं है कि ये फिर दोबारा आपको तेजी दिखाएगा, कल की एक वीडियो देख लेना मेरी। आज इसने क्या कर दिया, आज इसे ऑर्डर नहीं मिला तो लोअर सर्किट लग गया। क्या जितने ऑर्डर इसे पीछे मिले हैं वो सिर्फ इसकी तेजी को कायम रखने के लिए थे
या आगे जिस तरीके से लोअर सर्किट मार रहा है उसके अंदर भी उनका कुछ यूज हो रहा है, नहीं हो रहा ना यूज उनका, जो भी ऑर्डर से मिले, जैसे कल मिला, कल अपर सर्किट लगा दिया उसने, उससे पहले मिला उससे पहले तेजी दिखा दी, क्या ये जो ऑर्डर इसको मिले थे हमने परिकल्पना 500 तक 1000 तक देखी थी इसकी? नहीं सर, मैंने कहा था कि जब किसी कंपनी को कुछ ऑर्डर मिलता है तो कंपनी उस टाइम तो खुश होती है, हम भी खुश होते हैं भाई ये हो गया वो हो गया, लेकिन उस पहलू पे एक वर्क होता है, एक और वो वर्क होता है आने वाले सालों में, फिर उसके लिए पैसा, हर चीज़ मैनेजमेंट, हर चीज़ों की यूज होती है, फिर उससे जो प्रतिफल निकलता है, यानी कि सब खर्च करने के बाद जो चीज़ बचती है उसे कहते हैं प्रॉफिट, और वो चीज़ें फिर आपको शेयर मार्केट के प्राइस में परिवर्तित होती हुई दिखती है। क्यों दिखती है, क्यों लोग अपना डिविडेंड देते हैं? क्योंकि उन्होंने वो प्रॉफिट कमाया है। तो ये शेयर मार्केट सिर्फ इसलिए नहीं देखना है कि उसको ऑर्डर मिल गया, इसलिए नहीं देखना है कि इसने रिजल्ट अपना अच्छा प्रस्तुत कर दिया, बल्कि ये देखना है कि जो ऑर्डर मिला है उसकी कितनी समय सीमा है और उस पर वो कितना वर्क करेगा आगे जाके। होता कभी ये है ना कि मैंने किसी ऑर्डर को पकड़ लिया, मान लो मेरी एक कंपनी है, मैंने किसी ऑर्डर को पकड़ा, जब तक तो बाहरें आएंगी और क्या पता आगे जाकर मैं उसे पूरा ना कर पाऊँ, क्या जाके उसके अंदर क्या क्या प्रॉब्लम है, क्या जो मैंने अनुमान आज लगाया था कल जाके वो ज़्यादा हो जाए महंगाई की वजह से, किसी भी चीज़ों की वजह से, वो सारी चीज़ें बाद में होंगी। और सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि एक ऐसा शेयर ये आरएल अब बन गया है जो रेलवे के लिए पहले तो काम बहुत बेहतरीन करता था, और अब ये नवरत्न में जो तब्दील हुआ है इसकी तो वैल्यू आपको रखनी पड़ेगी ना, नवरत्न कंपनी इसको मिला है। तो ये क्या दिखा रहा है, ये अब एक पोर्टफोलियो में रखने वाला शेयर हो गया है, क्योंकि इसके अंदर जल्दी उतार आएंगे, जल्दी चढ़ाव आएंगे, इस तरीके से अब ये शेयर बन गया है और लंबे समय का व्यू है। इसलिए मैं आपको कहता हूँ कुछ शेयरों को दूर ले जाने के लिए अपने पोर्टफोलियो में अलग सा एक डीमैट अकाउंट आपको बनाना पड़ेगा, उस पोर्टफोलियो को उस पर ट्रांसफ़र करना पड़ेगा जिसकी मंशा आपको बहुत दूर तक जाने की है। मैंने एक चीज़ कहा था कि अगर आपको शेयर मिल रहा है तो फिर किस बात की उसके अंदर वो चीज़ें हैं जो आपको आसानी से मिल रही हैं। कभी कभी आपने देखा हो कुछ शेयर आपको मिलने ही नहीं, खरीदने के लिए लगा दो आप, मिलने ही नहीं वो आपको, क्यों? क्योंकि उसके अंदर कुछ और अच्छा हो गया है। तो जो चीज़ आसानी से और अच्छी न्यूज़ों के साथ मिलती है तो उसी में ज़्यादा आगे जाकर गिरावट होती है। तो अब आरएल में क्या आपको करना है, देखो सर, सबसे पहले आपको ये समझना है कि रेलवे के लिए, मेट्रो के लिए और अच्छी अच्छी परियोजना के लिए, आधुनिकीकरण के लिए, विद्युतीकरण के लिए, दोहरीकरण के लिए, सारी चीज़ों का जो समीक्षा है ना वो आरएल के थ्रू निकलेगा, चाहे वो वंदे भारत ट्रेन के लिए हो, चाहे वो जिस तरीके से मेट्रो में दूसरी कंपनियों के साथ मिलकर वर्क करना हो। तो काम मिला है, काम करेगा, अच्छी कंपनी का दर्जा मिला है, तो अब क्या करना है कि इसमें पॉजिटिव संकेत आपको देखने पड़ेंगे। शेयरों को गिरते ही मगर आपको कहूँ कहाँ तक गिरेगा, बढ़ते ही आपको कहूँ कि वहाँ तक जा रहा है खरीद लो, तो उसमें मज़ा नहीं आएगा, क्योंकि जब हम कुछ चीज़ों को तेज़ी के संकेतों के साथ देखते हैं फिर वो गिरती है तो फिर एनालाइज किस बात की, एनालाइज तो फिर वही होगी ना कि हमने तेज़ी देखी, तेज़ी बता दी, गिरावट देखी, गिरावट बता दी। इस चीज़ में मैं कभी भी बिलीव नहीं करता, और इसलिए कहता हूँ कि ध्यान रखिए कि आरबीएनएल एक ऐसा शेयर है जिसके बिना रेलवे अधूरा है। अब इस अधूरेपन को कौन कौन समझेगा, वो इसको अपने पोर्टफोलियो में सजा के रखेगा ही रखेगा। मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, जिस तरीके से स्पाइस जेड ने पिछले बार अपनी एक रणनीति जो बता दी थी कि वो अपने खड़े हुए विमानों को फिर से चालू करके आसमान में उड़ाएगा, तो वहाँ से एक रणनीति इस तरीके की लग गई थी कि वित्त वर्ष 2019 से जो घाटे में कंपनी चल रही है स्पाइस जेट, उसके पंख में पंख लग गए हैं, क्योंकि पंख तो पहले ही उनके पास हैं उड़ने वाले, और पंख लग गए हैं क्योंकि उसकी रणनीति अपने बेड़े को बढ़ाने की है, और वो जो जो चीज़ें वो करना चाह रहा है अपने प्लेन को उड़ाने के लिए, हर संभव उसकी तरफ उसका ध्यान केंद्रित है। लेकिन एक दो दिन से जो निगेटिव चीज़ स्पाइस जेट में आपको देखने को मिली है वो है दिवालिया प्रक्रिया से गुजरने के लिए, ऋण शोधन प्रक्रिया को शुरू करने के लिए इस तरीके की जो न्यूज़ देखने को आपको मिली उसने आपका हृदय तोड़ा ही होगा। मैं आपको एक चीज़ बता दूं, एयर कैसल जो है
स्पाइसजेट को अपने विमान पट्टे पर देता है, कुछ उसका पैसा पूसा होगा। उसने इसी महीने के शुरुआत में एनसीएलटी में एक मामला दर्ज किया ऋण शोधन प्रक्रिया से गुजारने के लिए। तो इससे ये निवेशकों को चिंता होगी कि अब जो कंपनी पहले इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें बता रही थी, कहीं वो दिवालिया प्रक्रिया से ना गुजरने की उनकी एक प्रक्रिया हो। तो स्पाइसजेट के एमडी और सीईओ ने खुला खुला कह दिया है भाई कि अजय सिंह जी ने कहा है कि वो ऐसी कोई भी कहानी, कोई भी ऐसी जो भी न्यूज़ निकल कर आ रही है वो निराधार है, बिल्कुल गलत है। यहाँ से पॉजिटिव संकेत जो आज आपको स्पाइसजेट में देखने को मिले, उनका ये कहना था कि उनका दिवालिया प्रक्रिया की अदालत में जाने के लिए कोई भी ऐसा मन नहीं है, बल्कि उन्होंने तो ये कहा है कि जिस तरीके से 2 मई को गो फर्स्ट जिस तरीके से एनसीएलटी के लिए दिवालिया प्रक्रिया में जा चुकी है, तो वहाँ पर गो फर्स्ट जिस तरीके से 200 विमानों का परिचालन करता है कि अब वो जगह खाली सी हो गई है, तो उस खाली जगह को भरने के लिए ये संभव प्रयास कर रहा है और अपने खड़े हुए विमानों को आसमान में उड़ाने के लिए प्रतिक्रिया कर चुका है। 5 करोड़ डॉलर के आपात ऋण सुविधा योजना के तहत ये 5 करोड़ का जो डॉलर का धन है उसका भी यूज ये इस तरीके की परियोजना में कर रहा है। तो निश्चित तौर पर आपको इसके अंदर एक विशेष तौर पर अपनी पॉजिटिव थिंक को फिर से बनाना है कि जो दिवालिया प्रक्रिया वाली न्यूज़ों से आप देख रहा था वो उसके एमडी और सीईओ अजय सिंह ने इसको खंडित कर दिया है। तो कहीं ना कहीं आने वाली दिशा स्पाइसजेट जिस तरीके से अपने विमानों को फिर से उड़ाने की कोशिश में लग गया है वो एक पॉजिटिव संकेत ही है। जिस तरीके से अडानी ग्रुप के शेयरों में सुस्तीपन जिस तरीके से लग गया है 8 मई को जो सुप्रीम कोर्ट के तहत जिस तरीके से 6 सदस्य समिति ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है बंद सील बंद लिफाफे में, उसकी आज सुनवाई होनी थी और उस सुनवाई को सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सप्ताह के अंदर ही उस सुनवाई करेगा। अभी वो जो चीज़ें सुप्रीम कोर्ट के समक्ष आ गई है वो एक रजिस्टर में पड़ी हुई है और उसके अंदर वो सुनवाई अब होगी इस सप्ताह के अंदर। तो यहाँ पर थोड़ा सा अभी और संदेशा बन गया है क्योंकि निवेशक सोच रहे हैं कि क्या इस रिपोर्ट पर है। तो इसकी अब सुनवाई 1 हफ्ते के अंदर होने वाली बात सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आ रही है। लेकिन इससे भी ज़्यादा एक रोचक और तथ्य निकल कर आ गया है कि सेबी ने जिस तरीके से 6 महीने का मोहलत मांगी थी अडनबर्ग और अडानी ग्रुप के मामलों की जांच करने के लिए, सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कह दिया 6 महीने हम नहीं देंगे बल्कि 3 महीने दे सकते हैं। अब इसके ऊपर 15 मई को दूसरी सुनवाई होगी जिसके अंदर अब पता लगेगा कि इनको 6 महीने मिलेंगे, 3 महीने मिलेंगे या क्या क्या चीज़ निकल कर अडानी ग्रुप में आएगी। तो अब इसकी सुनवाई 15 मई को है लेकिन 6 महीने की जो चीज़ें थी उसे खारिज करके 3 महीने वाली न्यूज़ निकल कर आ रही है। तो यहाँ पर जल्दी से जल्दी जो भी रिपोर्ट सेबी बनाएगी अब अदालत को चाहिए जल्दी से सबूत और उस चीज़ के लिए सेबी को कहा कि 6 महीने का वक्त नहीं दिया जा रहा है। यहाँ से जो भी आपको अब अडानी ग्रुप के शेयरों में इसका एक अलग ही रोचक चीज़ें मिलेगी, कभी भी तेज़ी होएगी क्योंकि जब तेजी होएगी तो हम सोचेंगे कुछ पॉजिटिव आ गया और होता क्या है कि वो जो हम तेज सोचते हैं वो होती नहीं, जब गिरावट होएगी तो हम सोचेंगे कुछ निगेटिव चीज़ है इसलिए गिरावट हो गया, तो वो भी अब हमें संभलना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपको संभल कर चलना पड़ेगा कि अडानी ग्रुप में 15 मई को तो अब होगी कि 6 महीने दिए जाएंगे या 3 महीने दिए जाएंगे। और फिर जिस तरीके से 1 हफ्ते बाद जिस तरीके 6 सदस्य टीम ने जो चीज़ें बनाई है उसके ऊपर विचार जो है इस हफ्ते के अंदर होने वाला है, तो ये अब शेयर जो है असमंजस में क्योंकि अडानी पावर का शेयर, अडानी पावर ने इतना अच्छा रिजल्ट देने के बाद भी इस दोनों न्यूज़ की वजह से उसके जो तेज़ी थम गई है। मैं आपको बता दूं मैंने क्या कहा था, हर चीज़ को अब अलग कर दो चाहे कुछ भी अडानी ग्रुप कर रहा हो, लेकिन सेबी और जो सुप्रीम कोर्ट ने टीम बिठाई है वो ज़्यादा वैल्यूबल अडानी ग्रुप के शेयरों में लग रही है। इस चीज़ को आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझ कर चलना पड़ेगा। अब बात करेंगे सर यस बैंक की और यस बैंक की कहानी फिर से एक न्यूज़ के द्वारा बिगड़ती हुई दिख रही है जिसके अंदर यस बैंक और 8 कंपनियों को शामिल किया गया है जिसके अंदर एनपीए ज़्यादा है, यानी कि ऐसे बैंकों के साथ यस बैंक भी शामिल है जिसके अंदर
एनपीए ज्यादा है और उनको पता जरूर रहना चाहिए, इस न्यूज के द्वारा ये कहा है, जिनके पास इस बैंक के स्टॉक उनके पोर्टफोलियो में है कि इनके पास एनपीए ज्यादा है। वैसे सबसे ज्यादा एनपीए साउथ इंडियन बैंक में है, आरबीएल भी इसके अंदर आया, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक भी इसके अंदर आ रहा है, आईडीपीआई बैंक भी आ रहा है, जम्मू एंड कश्मीर भी आ रहा है और यस बैंक भी आ रहा है। और यस बैंक ज़्यादा इस तरह से हमारे केंद्र में है क्योंकि इसके अंदर हमें आगे की रणनीति जो है बहुत तेज़ी के साथ अच्छी दिख रही है। देखो सर, मैंने आपको क्या कहा था, बैंक प्रॉफिट कर रहा है, इसके साथ अब एक और चीज़ जुड़ गई है, वो है इसका एनपीए। अभी तक के तो एनपीए तो हमें पता था कि भाई जेसी फ्लावर के लिए टीम बना गई है, लेकिन उसके बाद भी इसको ज़्यादा से ज़्यादा हाईलाइट कर गया है इस न्यूज़ ने, तो कहीं ना कहीं इसके अंदर क्या हुआ, टेंशन वाली चीज़ निकल कर आ रही है। लेकिन सबसे ज़्यादा टेंशन वाली चीज़ इसके अंदर है 81 बॉन्ड हो गया, जो इसको बैंक को संभाल के रख रखे हैं बैंक, वो जब निकलेंगे वो ज़्यादा इसके अंदर प्रॉब्लम करेगा, तो वो आपको समझ कर चलना पड़ेगा। और एनपीए वाली बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इसके साथ और 8 बैंक भी हैं, अकेला यस बैंक नहीं है, उसके साथ और 8 बैंक में है, तो इस न्यूज को तो आपको समझना है कि इसके ऊपर एनपीए का एक टैग है और वो सबसे ज्यादा बैंकों के साथ मिलकर आ रहा है, यानी कि और बैंक भी इसमें शामिल है। तो जिन बैंकों को सिलेक्ट किया गया एनपीए के लिए, एसीई इक्विटी डाटा के अनुसार ये रिपोर्ट प्रस्तुत की है, जिसके अंदर मुख्य तौर पर एनपीए वाली चीज़ें यस बैंक के साथ 8 और बैंक जो है शामिल है। तो आपको यहाँ आप क्या करना है, देखो सर आपको सिर्फ बैंक का काम देखना है, अगर बैंक जरा सा भी लॉस कर दे तो समझ जाना सब कुछ बेकार है, क्योंकि सर चिंता का तो विषय बना हुआ है कि इसके अंदर जब भी कोई चीज़ हटेगी तो ये बैंक गिरेगा। ये तो मैं आपको बताकर चला हूँ कि अगर आपका लंबे समय का विषय है तो ये अपने आप को दोबारा से पूरा कर देगा, क्योंकि इससे पहले क्या था, लॉकिंग पीरियड 1-1.5 साल तुम्हारे लॉकिंग पीरियड में चले गए, वो खुल गया। फिर इससे पहले क्या था कि इसका एनपीए, वो जैसी फ्लेवर को, इसके अंदर सब चीज़ हो रही है पॉजिटिव, लेकिन आपको ये भी चीज़ समझनी पड़ेगी कि एक रिपोर्ट निकल कर जो आई थी कि सबसे ज़्यादा बड़ा शेयर धारक वाला बैंक कौन सा बन गया है इंडिया में, कंपनी यस बैंक बन गया है। तो ये भी आपको समझ, इसके अंदर फिर इसका क्या मतलब है कि इसके अंदर काफ़ी लोग इन्वेस्ट करके बैठे हैं जिनकी मनसा यस बैंक को फिर उस ऊंचाई तक जाने की लग रही है जिस ऊंचाई से ये नीचे गिरा था। और अब जब ये बैंकों के अंदर एक एक करके न्यूज़ निकल कर आएगी तो वो इफैक्ट जिस तरीके से न्यूज़ आ रही है वो पड़ेगी ही पड़ेगी। मैंने आपको एक चीज़ कहा था कल कि आसानी से कोई भी आपके हाथों में शेयर दे सकता है और आसानी से ही हमारे हाथों से शेयरों को निकाल सकता है, वो इफेक्ट डालती है न्यूज। तो इस न्यूज की साइकोलॉजी को आपको समझना है, तो जब आप इस न्यूज की साइकोलॉजी को आप समझ जाओगे तो हर एक शेयर से आप पैसा कमाओगे, लेकिन उसके अंदर धैर्य चलेगा। अब ये नहीं कि आपने शेयर खरीदा और आपको कुछ समझ नहीं आ रहा, आप सोचोगे भाई ये तो कुछ बेकार हो गया, अब निकल जाओ बाहर, धैर्य टूट गया, सबर टूट गया, तो यस बैंक में इन्वेस्टमेंट हो या कोई भी बैंक में इन्वेस्टमेंट हो या कोई सी कंपनी में इन्वेस्टमेंट हो आपका, वो टूटेगा जिस तरीके से आरबीएल ने जो लोअर सर्किट लगाया उससे पहले 2 लोअर सर्किट पिछले लगाए हैं उसने दिल तोड़ा। और मैंने आपको कहा था कंपनी बहुत बेहतरीन है लेकिन पहलू को भी समझना है। मैंने आपको एक चीज़ कहा था कि अगर मैं कंपनी के बारे में कुछ पॉजिटिव बता रहा हूँ तो उसके आने वाली दिशा में जो निगेटिव होगा वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो आरबीएल जिस तरीके से आज आपको लोअर सर्किट में मिला है, अब इसके अंदर लोग आपको कहेंगे कि ये टारगेट वो टारगेट, आपको ये नहीं देखना है, बस आपको देखना है कि नवरत्न कंपनी है, ऑर्डर बुक भरी हुई है, अब उस ऑर्डर बुक में काम होगा, जब काम होगा तो पैसा खर्च होगा, पैसा बनेगा, ये सारी चीज़ें कंपनी में होगी। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में सेबी को 6 महीने के लिए और समय नहीं दिया जा रहा है, इसकी सुनवाई अब 15 मई को होगी और एक सप्ताह के अंदर जो रिपोर्ट सौंपी है कमेटी ने उसकी भी चीज़ें होने वाली है, तो ये भी आपको इफेक्ट हिंडनबर्ग की रिपोर्ट वाली जो चीज़ें निकल कर आ रही हैं सबसे ज़्यादा शेयरों में डालेगी, जिस तरीके से आज सुस्तीपन अडानी ग्रुप में लगा हुआ था। स्पाइस जेट को जिस तरीके से दिवालिया चीज़ों में हमें समझ रहे थे अभी एक दो न्यूज़ से, अब उसका खंडन उनके MD और CEO ने कर दिया, ये एक पॉजिटिव संकेत है। और इस तरीके की वीडियो देखिए जो आपको सच्चाई दिखाई, बल्कि ये नहीं कि आपको सिर्फ टारगेट ही दिखाई जा रहे हो। तो चिट्ठी को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए और अपने बच्चों को ज्यादा से ज्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।